तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं लेके आया हूँ ड्रोन। आपको पता है कि इंडिया में मेरा ड्रोन टूट गया था मेरी गलती की वजह से। मसूरी में तो मैंने गलत जगह थोड़ा लापरवाही करके ड्रोन फ्लाई करा दिया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तारें थी, बहुत कंजेस्टेड मामला था, तो वो उसमें फंस के नीचे गिर गया। और भाई वो गिरा एक पत्थर के ऊपर गिरा और वो वहीं पर टूट गया। ठीक है जी, तो अभी मैं दूसरा ड्रोन लेके आया हूँ। ठीक है, आज तो आपको मैं दिखाता हूँ अपना पहला ड्रोन भी। ये देखो जी, पहले मेरे पास था DJI, ये बहुत अच्छा ब्रांड है DJI का, Mini 2। ठीक है, एक साल मैंने उड़ाया ये, और आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो इसके क्या, इसमें क्या डैमेज हुआ था इसका, इसका हुआ था एक ये डैमेज हुआ है इसका, ये टूट गया है ना, ये डैमेज हुआ है इसका, और ये ऑन भी नहीं हो रहा ये। ठीक है, और बस ये मेन यही है, इसके डैमेज होने की वजह से इसका बैलेंस नहीं बन रहा और ये उड़ नहीं पा रहा। ठीक है जी, थोड़ा सा ये विंग्स इसके टूटे हैं, ये वाले थोड़े उस दिन टूट गए, तो चलो ये तो रिप्लेस हो जाते हैं, पर इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने दिखाया, ये गिम्बल इसका बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैमरा सही है, सारा कुछ ठीक है, बैटरी ठीक है, बट ये मेरे काम का अब रहा नहीं। तो ये था देखो DJI Mini 2, बहुत अच्छा ड्रोन है ये। अगर कोई मतलब स्टार्ट करता है वीडियो यूट्यूब पे, तो DJI Mini से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रोन है। क्वालिटी आपने देखी है इसकी मेरे व्लॉग्स में। और अब मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा जब लेने लगे ही हैं तो थोड़ा क्यों ना अपग्रेड कर दिया जाए, तो अब मैं लेके आऊँ ये नया मिनी DJI Mini 3। ठीक है, ये इससे थोड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी है, 4K में वीडियो बनेगी। ठीक है, और इसकी खासियत एक इस ड्रोन में, इसमें क्या फ़र्क है, जैसे ये देखो, ये इसका DJI Mini 2 का कंट्रोलर है। ठीक है जी, तो इसमें हमें यहाँ पे फ़ोन अपना अटैच करना पड़ता है, तो कई बार हम जैसे वीडियो शूट करते हैं तो हमें फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती है, और साथ तो जब हम ड्रोन यूज़ कर रहे होते हैं तो फ़ोन हमारा यहाँ पे लग जाता है, तो इसलिए हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम, है ना। तो इस वजह से मैंने फिर ये लिया है। इसमें जो इसका कंट्रोलर है, देखिए आप, इसमें हमें फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं, इसी के साथ स्क्रीन आ रही है एक। ठीक है, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इन दोनों ड्रोन्स में क्या अंतर है। ठीक है गाइस, अब हम इसको अनबॉक्स करने लगे हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मिलेगा हमें इसके साथ। बाद में मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा कि ये कितने का पड़ता है। एक बैग और आ गया हमारे पास सेम, इसमें से निकला है ये बैग DJI का। देखो जी, और पैकिंग काफ़ी अच्छी है इस, ये इस उसका बैग थोड़ा सिंपल था, इसका बैग लेदर का बैग है, बहुत अच्छा बैग है इसका। अब इसको हम ओपन करेंगे बैग को। ये देखो जी, ये इसमें हमें मिला है एक ये का रिमोट कंट्रोलर ड्रोन का। अरे ये देखो जी, ये इसका कंट्रोलर है और ये पुराने वाले का कंट्रोलर था, कितना फर्क है दोनों में। तो बाद में आपको दोनों का प्राइस भी बताया जाएगा। ये DJI Mini 3, ये Mini 2। मिनी इनको इसलिए बोला जाता है, मिनी इनको इसलिए इनका नाम है क्योंकि जब हम ड्रोन, जो ड्रोन होता है ना, अगर 249 ग्राम से 250 ग्राम से नीचे उसका वेट है तो हमें इसको फ्लाई करने में कोई गवर्नमेंट से या किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है ना। अगर उससे हैवी ड्रोन होता है 250 ग्राम से, तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है उसकी ऑफिशियली कि भाई हम यहाँ पर ड्रोन उड़ाना है, तो इसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत लाइट वेट ड्रोन बनाया कंपनी ने और बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया अभी ये, बाकी ड्रोन मार्केट में और भी बहुत आ रहे हैं,
कंपनीज के, पर ये बेस्ट है DJI का जो ड्रोन है ये अच्छे। इसको मैं आपको दिखाऊंगा इसकी क्वालिटी भी अभी इसी वीडियो के बाद। इसको थोड़ा सा ये पीछे इसके स्टिक्स लगी हैं, अब इनको ऐसे यहाँ पे स्क्रू कर लिया, ये एक हो गया और ये सेकंड। इसको भी हम यहाँ पे स्क्रू कर टाइट करेंगे, ये हो गया जी अपना ड्रोन ऐसे रेडी है। ये बटन ऑन, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये इसके साथ इसकी जो केबल है चार्जिंग केबल, और ये इसके साथ इसका देखो इसका इसकी बैटरी जो है, इसकी बैटरी एक मतलब चार्जर और तरह का है इसका, ये देखिए गाइस इसमें दो बैटरी मिली है हमें इसके फ्री, और कैसे निकाली ये, इसकी बैटरी भी बड़ी है उससे, उसकी बैटरी छोटी है, और उसमें ये जो चार्जर होल्डर है उसमें ये नहीं है, ठीक है जी। तो उस वो सिर्फ ड्रोन उसके ड्रोन के अंदर ही चार्जिंग लगानी पड़ती है। इसकी अच्छी बात ये है कि इसको हम इसमें चार्ज लगाएंगे, ड्रोन साइड पर रहेगा, ठीक है, और एक बारी में दोनों बैटरी चार्ज होंगी। और मार्केट में से अगर मेरे को तीसरी बैटरी भी चाहिए तो $100 की आ जाती है बैटरी, तो वो मैं इसमें तीन बैटरी बैकअप अपने पास रख सकता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि पहले ड्रोन में मेरे को समस्या यही आती थी, जब मैं कहीं मेरे को अच्छे व्यू दिखते थे तो मैं जाता था तो पता लगता हो यार मेरी बैटरी डाउन है ड्रोन की, क्योंकि ये बैटरी चार्ज होने में बहुत टाइम ले लेते हैं। और इसका जो फ्लाइट टाइम है इस वाले ड्रोन का DJI Mini 3 का 38 मिनट इसका फ्लाइट टाइम है, और जो ये DJI Mini 2 है इसका 30 मिनट का फ्लाइट टाइम है। तो मतलब 8 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल गए, प्लस साथ में दो बैटरी, अगर एक और ले लेता हूँ मैं तो यही कोई 1.5 घंटे का हमारे पास बैकअप हो गया है, ठीक है गाइस। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अब आपको मेन चीज़ है जो ड्रोन, इसमें देखते हैं कि ड्रोन में देखते हैं कि कितना फ़र्क है, ठीक है जी। अभी मेन ये जो ड्रोन है बहुत लाइट वेट है, मैं वेट तो दोनों का सेम है, ये भी 249 ग्राम, ये भी 249 ग्राम का है, ठीक है। तो कोई परमिशन नहीं चाहिए उड़ाने के लिए, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है, नहीं तो परमिशन लेते फिर उनकी। अरे वाह, ये देखो ये ड्रोन की लुक देखो आप, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, नहीं साइज़ सेम ही है, थोड़ा मॉडल में फ़र्क है इसके, देखो ठीक है जी। इसका ऑफ ऑन बटन ऊपर है, इसका ऑफ ऑन बटन ये नीचे है, ठीक है। और इसमें एक बैटरी भी दिया है मुझे, अच्छा जी। तो इसको हम ये थोड़ा उससे बाद में आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं, अरे ये है जी अपना ड्रोन, ये देखो ये 2 और ये 3, ये थोड़ा साइज बड़ा है ना, इसका थोड़ा साइज बड़ा है, और इसके आगे इसका गिम्बल कवर भी है, इसमें गिम्बल कवर कैसे उतरेगा, ये गिम्बल कवर है, ये उतार के उड़ाना होता है, ऐसा ना हो कि कभी ये लगा के उड़ा दो तो क्वालिटी नहीं आएगी, ये सेफ्टी के लिए है, जैसे रख दिया तो कैमरे की सेफ्टी के लिए ये इसलिए होता है, ठीक है जी। तो चलिए गाइस आपने देखे दोनों ड्रोन्स, अब आपको मैं इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, और थोड़ी सी मैं आपको पुरानी वीडियो दिखाऊंगा, दूसरे की भी थोड़ी वीडियो डालूंगा, और इसकी भी मैं डाल के आपको दोनों की क्वालिटी चेक कराता हूँ। तो अगर बाई चांस किसी ने खरीदना है ड्रोन, तो मैं आपको बता देता हूँ मार्केट वैल्यू क्या प्राइस है। ये इसकी जो इस टाइम जो प्राइस है, ये वाला ड्रोन आपको मिलता है $800 का, ठीक है जी, मतलब 50,000 के आसपास इंडियन रुपीस, ओके। और जो ये वाला ड्रोन है मिनी 3, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब इससे का एडवांस वर्जन है ये, तो इसमें आपको मिलता है 4K कैमरा, प्लस फ्लाइट टाइम इसका 8 मिनट का ज़्यादा है, साथ में बैटरी एक्स्ट्रा है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें, तो वाईफाई भी है ना। तो इसको मैं आपको बताऊं, इसका जो प्राइस है इस टाइम, जो ये वाला जो मैं लेके आया हूँ, इसका प्राइस है इस टाइम $1100, अराउंड
1150 समथिंग, ठीक है जी। तो ये ड्रोन आपको इससे डबल प्राइस में पड़ता है, ठीक है जी। इसको अगर आप मार्केट से बाई करोगे तो 1150 के आसपास अराउंड आपको पड़ेगा। तो मतलब यही इंडिया का कोई 70-80,000 के आसपास इसकी इसका प्राइस है, ठीक है। इंडिया में थोड़े महंगे हैं ड्रोन्स, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, और यहाँ कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रियों में टैक्स थोड़ा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। अगर ये ड्रोन आप इंडिया में लेने जाओगे तो यहाँ पे 60,000 के आसपास पड़ेगा आपको, 48,000 का पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे लेते हो तो यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये इंडिया में ये 70-80,000 तक ये पड़ेगा, और ये आपको 1,25,000 के आसपास पड़ेगा इंडिया में, ठीक है गाइस। तो थोड़ा इंडिया में टैक्स थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे कारों में, इंडिया कार अगर इंडिया में हम बाई करते हैं तो टैक्स ज़्यादा पड़ता है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पे भी टैक्स इंडिया में ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, अब आपको हम दिखाते हैं इनकी दोनों की एक फ्लाइट, ठीक है। तो इसका मैं पुरानी वीडियो डालूंगा थोड़ी सी 2-3 मिनट की, और इसकी मैं नई वीडियो आपको डाल के अभी दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो बने रहे चैनल के साथ, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अभी ड्रोन मेरे पास आ चुका है, अब एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं 4K वीडियो बना के डाला करूँगा, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं, ये देखिए जी, अभी हम अपना नया ड्रोन फ्लाई करवा रहे हैं, और ये उसकी अभी डाउनलोडिंग चल रही है, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम इसको फ्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे। ड्रोन हमारा फ्लाई करने के लिए रेडी है, ये रखा बिल्कुल रेडी टू गो, बस वेट चल रही है कि कब उसको ऐप डाउन हो एप्लीकेशन, और कब हम इसको कराएं फ्लाई, ठीक है जी। पहले वाले ड्रोन से बेटर ड्रोन है ये, अभी कितनी परसेंट रह गई है, 44% हो गई है, बस 5 मिनट और लगेंगे। Hey.